नंबर 98, सॉरी ये तो कर लिया था हमने। आपके सामने सवाल पेश किया जाता है पेज नंबर 100, 100 पे आ जाओ। चले भाई आ गए। मैं जो आपके साथ पढ़ रहा हूं आपने उतना ही सवाल पढ़ना, सही है। आर रिसीवेबल बैलेंस ऑफ रुपीस मिल गया सबको। आर रिसीवेबल बैलेंस ऑफ रुपीस 6 मिलियन विद अ रिलेटेड पार्टी हैज बीन आइडेंटिफाइड व्हिच हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड इन द एफएस। द मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट सिंस द बैलेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट देयर इज नो नीड टू डिस्क्लोज द अमाउंट। सॉरी मैं वापस सवाल रिपीट कर रहा हूं। द मटीरियलिटी हैज बीन डिटरमाइंड एट रुपीज 10 मिलियन। योर ऑडिट टीम हैज ब्रॉट द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट मैटर टू योर नोटिस ऑन द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट फील्ड वर्क। अ रिसीवेबल बैलेंस ऑफ रुपीज 6 मिलियन विद अ रिलेटेड पार्टी हैज बीन आइडेंटिफाइड व्हिच हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड इन द एफएस। द मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट सिंस द बैलेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट देयर इज नो नीड टू Disclose the amount, nature of the transaction and nature of the relationship. सवाल की requirement है evaluate the above matter and discuss your firm's course of action along with the आपने अब implication भी लिखनी है along with the implication on the audit report. 10 नंबर का सवाल है, इसका लिख ले 10 नंबर का सवाल है पर आपके पास 10 मिनट है, मुझे इसका आंसर चाहिए जल्दी छेती छेती। कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया, कितने रुपए का? 50,000 रुपए। कंपनी बहुत बड़ी कंपनी, मटेरियलिटी 5 अरब की है, फ्रॉड कितने का क्या है? क्या क्वांटिटेटिव भी मटेरियल है? लेकिन आप मुझे बताएं क्या क्वालिटेटिव भी मटेरियल है? क्यों? तो सीनियर मैनेजमेंट है यार, तो अगर इसने 50,000 रुपए का फ्रॉड किया है तो इसका मतलब है बाकी 50 अरब का भी किया होगा, वो तो मुझे तो पता ही नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो ये इस लिहाज से एक ऐसी मिस स्टेटमेंट है कि क्वांटिटेटिवली अगर मैं देखूं तो मुझे मटेरियल नहीं लगती, लेकिन क्वालिटेटिवली देखूं तो देखिए एक एक सिंपल सी बात है। आपके लिए पासिंग मार्क्स कितने? अगर 50 से कम मार्क्स आ गए तो मटीरियल, मतलब आप क्या है, आप फेल। 100 में से अगर आपके 50 से कम मार्क्स आ गए तो एक डिसीजन मेकिंग ले ली जाएगी। क्या ले ली जाएगी डिसीजन मेकिंग? क्या डन हो गया? इसका मतलब है कि अगर आप 100 मार्क्स का पर्चा करने जा रहे हैं और आपने 40 नंबर के कॉन्सेप्ट गलत लिख दिया, आप पास हो जाएंगे? क्यों? 60 सही। अब ये चीज मेरे ऊपर अप्लाई करें, मैं 40 नंबर का गलत पढ़ा दूं आपको, मैं 40 नंबर का आपको गलत पढ़ा दूं क्वांटिटेटिवली, नहीं यार पास तो अभी हो सकते हो ना भाई, लेकिन क्वालिटेटिवली अगर आप इस चीज को देखें, नहीं सर ये तो मैं आपने गलत पढ़ा दिया। और वही वाली बात है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर मैं आपको एक टॉपिक गलत पढ़ा दूंगा ना, ये कॉन्सेप्ट मैंने गलत पढ़ा दिया आपको, आप बोलेंगे नहीं भाई भूल जाओ 2 नंबर का सवाल है, या भूल जाओगे पेपर में आएगा। अगर 2 नंबर का, अगर ये एक कॉन्सेप्ट 2 लाइन का गलत पढ़ा है ना, पता नहीं पूरे कोर्स में क्या क्या इसने गलत पढ़ा होगा। क्वालिटेटिवली बड़ा मटेरियल है प्यारे बच्चों को, यहां तक बात समझ आती है? अगर मैं आपके साथ यहाँ बैठ के एक झूठ बोलता हूँ और आपको पता चलता है मैंने झूठ बोला है, सही है, आगे जाके मैं 100 सच भी बोलता रहूं, आपने यही तस्वीर करना है कि नहीं यार सर सर झूठ है, बिकॉज सर ने एक झूठ बोला है तो इसके अलावा पता नहीं और कितने अलग छोटा सा झूठ बोला। क्या बोला था? क्लास टाइम पे स्टार्ट होगी। हाँ कितनी देर लेट हुआ? 15 आधा घंटे वाला 10 से 15 मिनट। अब आपको पता चल गया कि यार अब कोई क्लास टाइम पे होगी, अब से सारी क्लासेस हमारी, और मैं कैंपस में मौजूद था, तो एमएफए खत्म हुई थी तो आप लोग बैठे हुए थे, तो इसलिए मैंने 10-15 मिनट का ब्रेक दिया, मैं कैंपस में मौजूद था। डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों? दोस्त क्लियर हो? जी मेरे भाई एग्जैक्टली, क्वालिटेटिवली मटीरियल हो गई तो मुझे स्टेटमेंट मटीरियल इधर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटी, बिल्कुल जबरदस्त मेरे पास। चले जी आ जाए यार, यहां पे चैट नहीं है।
अच्छा जी चले यार, आसान सवाल है, आसान नहीं है, 10 नंबर का सवाल है भाई। आ जाए यार बच्चों, क्या होगा, चलो 10 मिनट में ऑफ करना है यार, बता दें भाई। 10 नंबर का सवाल है, सीए फाइनल का सवाल है, 3 रिक्वायरमेंट है, इवेल्युएट कर दें, प्रोसीजर्स बता दें और रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस बता दें। क्या है इसका आंसर? नहीं आ रहा, क्यों, किसको नहीं आ रहा है? 4 नंबर का लिखा है। हाँ भाई, इशारे क्यों करते हो, मुंह से बोलो ना, ये पहली क्लास में करना था यार, अब इशारे थोड़ी करने हैं भाई। हाँ जी यार, इसके लिए तालियां यार मेरे भाई। ये आरपी मैनेजमेंट ने आपको कम्युनिकेट नहीं की थी, आरपी आपने आइडेंटिफाई करी है। पढ़े सवाल कहाँ, कैसे पता चला आपने आइडेंटिफाई करी है? हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, ये मेरी बात समझे कुछ। आर रिसीवेबल बैलेंस ऑफ ₹6 मिलियन विद अ रिलेटेड पार्टी हैज बीन आइडेंटिफाइड। थोड़ा सा और ऊपर पढ़ता हूँ, द मटीरियलिटी हैज बीन डिटरमाइंड एट ₹10 मिलियन, योर ऑडिट टीम हैज ब्राउट द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट मैटर टू योर नोटिस ऑन द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट फील्ड वर्क। काम कर चुके हैं आप, सारा काम करके आप एक इश्यू लेकर आए, वो इश्यू क्या है, रिसीवेबल बैलेंस। रिसीवेबल बैलेंस कैसे पता चला, जब आपने कंफर्मेशन भेजी, सामने वाले ने बोला कि मेरा 6 मिलियन का रिसीवेबल है, रिसीवेबल बैलेंस ऑफ ₹6 मिलियन विद अ रिलेटेड पार्टी हैज बीन, जल्दी जल्दी, आइडेंटिफाइड विच हैज नॉट बीन। जब एक चीज मैनेजमेंट ने एफएस में डिस्क्लोज नहीं करी तो जाहिर सी बात है आपको कम्युनिकेट भी नहीं करी होगी प्यार। और देखें वर्ड वही लिखा हुआ है जो हमने एग्जाम में रीडिंग करी थी अभी, नॉट डिस्क्लोज्ड और कम्युनिकेटेड टू द ऑडिटर। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो मैं कहूंगा सबसे पहली चीज, मैं किसको पकड़ लूं, बच्चा बिल्कुल रेडी रहना यार, अब सुन ले, सीरियस हो जाए, दोस्त आ जाओ। सबसे पहली चीज मैं कहूंगा, आरपी के साथ बैलेंस कितने का है, मटेरियलिटी कितनी है, सवाल में दिया हुआ है सब कुछ इवैल्यूएट कर लूं मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से बता दें इवैल्यूएशन में क्या लिखूं जल्दी से बता दें, क्वांटिटेटिवली मटेरियल, लेकिन हमने तो पढ़ा था आरपी क्वालिटेटिवली मटेरियल होती है, क्वालिटेटिवली मटेरियल जो कि मटेरियल है, तो कोर्स ऑफ एक्शन इसको क्या होना चाहिए, जल्दी से बता दें क्या होना चाहिए, डिस्क्लोज्ड होना चाहिए। डन हो गया मेरे प्यारे, नोट नहीं करें, खुदा का वास्ते समझ ले यार, सुन ले मेरी बात, कुछ कोई नई चीज तो सवाल से कॉपी कर रहा, पूरा आरपी का नाम ही उसका ये आरपी डिस्क्लोजर, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, सही। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, द रिलेटेड पार्टी वॉज, जल्दी 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 जल्दी, आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर, ऐसा ही है, सही, विच वॉज नॉट, विच वॉज नॉट डिस्क्लोज बाई दी मैनेजमेंट। ये सवाल में लिखा हुआ है, सही है, तो मैं इसको इवैल्यूएशन में लिख सकता हूं, न्यू रिलेटेड पार्टी कंबाइंड भी देखते हैं, ऐसे देखते हैं, मतलब आइडेंटिफाइड बाय कोर्स ऑफ एक्शन, जल्दी छीटी छीटी बता दो मेरे प्यारे बच्चों, कोर्स ऑफ एक्शन, न्यू रिलेटेड पार्टी का नाम किसको कम्युनिकेट करना होगा, लेना मार्क्स यार, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा इसके साथ जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई है सारी की सारी कम्युनिकेट, मैनेजमेंट से इंक्वायर करूंगा आपके इंटरनल कंट्रोल इनफेक्टिव क्यों थे, अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करूंगा, उसके अगेंस्ट मजीद
ऑडिट प्रोसीजर्स करूंगा, ये जो न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हुई है उसके ऊपर भी, और अगर मुझे लगता है मैनेजमेंट ने जानबूझ के, तो प्यारे बच्चों क्या करूंगा, प्यारे बच्चों ले ना यहाँ पे 7 मार्क्स, यार क्यों नहीं ले रहे, 10 में से 7 मार्क्स तो ले, 4 मार्क्स क्यों कह रहे हो मेरे भाई, कहाँ गया मेरा भाई, क्यों कह रहे हो यार, सवाल में इतना बड़ा बड़ा, क्या सवाल में आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, कुछ बताया ही नहीं है, ना बिजनेस बताया है ना ट्रांजैक्शन बताई है, तो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, सवाल में बड़ा बड़ा लिखा है आपने आइडेंटिफाई किया, मैनेजमेंट ने एफएस में डिस्क्लोज नहीं किया, तो इसका मतलब आपने लेना 7 मार्क्स यार, इवैल्यूएशन का पकड़े 1-2 नंबर यार, खत्म करें, कितना आसान सवाल, ये वही तो सवाल है जो पहली क्लास में किया था, कि अगर कोई न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाते हो बताएं कि ऑडिट पूछे, वही तो सवाल है, बस कर क्या रहा है वो आपको कंफ्यूज कर देगा, इवेल्युएट कोर्स ऑफ एक्शन रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन, आप कॉन्सेप्ट को डिलीवर करना स्टार्ट करें, मार्क्स लें, तो इवेल्युएशन करी, मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट डिलीवर करा, 1 नंबर पकड़ लिया, ये चीज ली 1 नंबर पकड़ लिया, 7 नंबर मैंने आराम से, 6 नंबर पकड़ लिया, 1 सेकंड कंप्लीट करने दो, अगली चीज जल्दी छेती रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन, मैं कहूंगा यार रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन क्या है, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन मैनेजमेंट या तो डिस्क्लोज्ड करेगी या डिस्क्लोज्ड, सब कुछ यही पे लिखा हुआ है, अगर तो मैनेजमेंट डिस्क्लोज कर देती है, कौन सी ओपिनियन, आइजा 700 के हिसाब से अनमॉडिफाइड ओपिनियन, और अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं करती तो क्या ये मिस स्टेटमेंट है, क्या ये मिस स्टेटमेंट मटीरियल है, अगर मटीरियल है तो कौन सा ओपिनियन, पढ़ा हुआ है। अब एक बार वो चीज पढ़ ली, अब दुनिया के हर रेस्टोरेंट में यही अप्लाई होगा, मैं कंप्लीट तो करने दे मेरे प्यारे बच्चों, क्यों टेंशन ले रहे हैं यार, यहां तक बात समझ आती है, क्लियर है, मैं आपके सामने एक और चीज पेश करता हूं, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस को इवेल्युएट करें और ड्राफ्ट करें, जो हमने याद है 705 पढ़ रहे थे, हम प्रैक्टिस करते थे कि इवेल्युएट द अबव सिचुएशन डिस्कस द पॉसिबल, उसकी ड्राफ्टिंग याद है किसी को, सबसे पहली चीज क्या होती थी, IFRS कौन सा, IS-24 क्या कहता है, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन होगी, इसको क्या करना है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हुआ है, क्या ये मिस स्टेटमेंट हो गई, और ये मिस स्टेटमेंट हो गई ऑन अकाउंट ऑफ, जल्दी जल्दी जल्दी, नॉन डिस्क्लोजर, क्या ये मटेरियल है, यस सर, क्वांटिटेटिव भी नहीं है लेके, तो मेरा रिपोर्ट पे इंपैक्ट क्या होगा, जल्दी जल्दी, प्यारे बच्चे ड्राफ्टिंग याद है, ये इन्वेंटरी में भी किया था, ये पीपी में, या सब कुछ सेम रहेगा, आंसर का स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहेगा, सिर्फ सिर्फ क्या चेंज हो गया प्यारे बच्चों, उस वक्त IS-2 लिखते थे, उस वक्त IS-36 लिखते थे, उस वक्त IS-16 लिखते थे, अब क्या लिख रहे हैं, IS आंसर का, आंसर तो उसी, उस वक्त हमें पता था इसका आंसर क्या है, पर आगे जितने भी सवाल करेंगे आंसर तो यही होगा, सिर्फ सवाल में से इंफॉर्मेशन लेनी है, बताना है IAS ये कहता है, आपने ये हरकत करी हुई है, सही है, ये हरकत की हुई है तो मिस स्टेटमेंट हो गई, मिस स्टेटमेंट इस वजह से हो गई, इंपैक्ट मटेरियल है, क्वालिफाइड होती है, तो यहां तक बात कितना जब देखे ना, ये वही ड्राफ्टिंग है जो पहले कर रहे थे प्यारे बच्चों, और सवाल आगे जाके जो इस टॉपिक को पढ़ेंगे सिर्फ सिनेरियो चेंज हो रहा होगा, ड्राफ्टिंग का स्ट्रक्चर बिकॉज आइजा का स्ट्रक्चर ही है, और 705 मैंने आपको रीड करके भी पढ़ाया था, कि यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों, अब मुझसे सवाल पूछे, सॉरी अगला सवाल, हाँ हाँ मैंने सिर्फ यहां पे फुल स्टॉप लिख दिया, और मैं तो कहता ही हूं इफ तो फ्रॉड, मैं तो फुल स्टॉप लगा दिया, मैं तो आगे कुछ कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं अगर मुझे ऐसा लगता है मैनेजमेंट ने जानबूझ के मुझे नहीं बताया तो मुझे IS-240 देखना पड़ेगा, IS-240 पढ़ा नहीं है तो अभी यहां पे लिखेंगे,
और सवाल में भी एज अ 240 लिखने की जरूरत, बिकॉज सवाल में कोई फ्रॉड की इंडिकेशन उसने नहीं बताया, नहीं बताया तो बस आप यहां तक लिखें। अगर सवाल में कोई फ्रॉड की इंडिकेशन होती तो आपका यहाँ पे आंसर इनकम्प्लीट है, फिर एज अ 240 कनेक्ट होता और उसके 6 प्रोसीजर्स यहाँ पे आ जाते। और जब 6 प्रोसीजर्स यहाँ पे आते तो एक वर्ड यहाँ पे आता, उससे मजीद 3 प्रोसीजर्स यहाँ पे आ जाते, एक और एज अ ट्रिगर होता, आगे जाके देखेंगे आराम से। क्लियर हम प्यारे बच्चों यहाँ तक? जी मेरे भाई, सवाल में ऐसा क्या लग रहा है मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया? अच्छा, अगर मैं आपसे अब मैं यही सवाल करता हूँ, मैनेजमेंट ने आरपी डिस्क्लोज नहीं की, भाई ये जो आरपी के साथ ट्रांजेक्शन हुई थी ये तो 30 दिसंबर को हुई थी, और अगर ये ट्रांजेक्शन नहीं हुई होती तो कंपनी के प्रॉफिट कम हो जाते और कोविनेंट्स ब्रेच हो जाते और बैंक सारा का सारा पैसा इमेज। अब मैं कहता हूं, अब जो ये ट्रांजेक्शन करी और जानबूझ के नहीं बताई जिसमें फ्रॉड की इंडिकेशन लग रही है, फिर मेरा आंसर यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगता, फिर मजीद 6 स्टेप्स खुलता है। अभी एक ऐसा पढ़ा है, आगे जाके पढ़ने हमने एहसास। डन हो गया प्यारे बच्चों? क्लियर हम सर? कोई और सवाल बच्चों? कोई सवाल थे ना यहाँ पे किसी के? यार डन हो गया यहाँ पे? कोई सवाल है मुझसे पूछ ले अगेन। अच्छा मेरी बात सुने, इसका सजेस्टेड आंसर किताब में नहीं है, इसका सही आंसर। अच्छा सेफ ऐप की जो किताब है उसमें है, तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ वहां से कॉपी पेस्ट करके आपको दे सकता हूँ। इसका आंसर ड्राफ्ट क्यों नहीं है? दो वजहों से, पहला आपने खुद ड्राफ्ट कर लिया, दूसरा इस आंसर को आप गौर से देखें, इसमें जो ये वाले स्टेप्स हैं, जल्दी 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 जल्दी, ये तो आप किताब से ही लिखे। मैं असल चीज क्या थी, सवाल ये कहां पे लिखा हुआ है, सॉरी ये कहां पे लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इसमें एक खास बात क्या है, जल्दी जल्दी जल्दी, इवैल्यूएशन, बस आंसर में बस। पर आंसर का स्ट्रक्चर ही यही है, सवाल से आपने आइजा की हेडिंग से लिंक करा और जहां हेडिंग से लिंक करा उसी के अगेंस्ट उसका कोर्स ऑफ एक्शन, तो जो हेडिंग से लिंक करा आपने वो इवैल्यूएशन हो गई, उसके अगेंस्ट जो आपने बताया वो उसका कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, वो उसके अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर हो गया। बच्चों यहां तक बात समझ आती है? तो अगेन ये फाइनल का सवाल था, मुझे बताएं कितने लोगों ने आंसर लिखा? यार कम क्यों यार बच्चों, आज पूरी क्लास ड्राफ्टिंग की थी, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा सिवाय इसके, आज पूरी क्लास में कोई नया कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा है सिवाय इसके कि क्वांटिटेटिवली मटेरियल नहीं होता बल्कि क्वालिटी। इसके अलावा आज पूरा हमने रिवाइज किया और मजीद हमने ड्राफ्टिंग करी है। बाकी को क्या मसला आया मुझे बताएगा कोई, मुझसे डिस्कस करें प्लीज। कितने लोगों ने नहीं कर सके ये सवाल? दोस्त 4 मार्क्स वाले किधर गए? दोस्त क्यों? लास्ट का कौन सा वो कर दिया आपने? आपने ये 7 पॉइंट्स लिख दिए, ये 7 पॉइंट्स क्यों लिखने थे? ये अब क्लियर हो मेरे प्यारे बच्चों? ये न्यू रिलेटेड पार्टी किसने आइडेंटिफाई करी है? यहाँ सवाल में लिखा हुआ है, कैटेगोरिकली लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। और कोई बच्चा जो क्यों अटेम्प्ट नहीं कर सका मुझसे डिस्कस कर लो यार प्लीज। क्लास का पर्पस ये नहीं है कि आंसर मिल जाए, आंसर बना ले हम डिस्कस कर ले, क्यों नहीं लिख सके मुझे ये जानना है प्यारे बच्चों। हाँ यानी सोचने से बच्चे पैदा नहीं होते, याद रखना यार, करना पड़ता है भाई, सही है। हाँ जी, और इसके अलावा लिखना सबने जल्दी। मेरे भाई आपने लिखा था ब्लैक टी शर्ट क्यों? हाँ मतलब वो आपने C5-6 और वो हेडिंग वेडिंग डाल ली, अंडरलाइन कर लिया, असल मवाद नहीं लिखा, ऐसा नहीं करना है भाई। जी मेरे भाई क्या क्वेश्चन क्यों इंटरप्रेट नहीं कर पाए? ये सबसे अब ये जो इस बंदे ने बात करी है, सबसे जब तक सवाल पढ़ने की तमीज नहीं आएगी आप कभी भी आंसर ड्राफ्ट नहीं कर सकेंगे। जब सवाल पढ़ के आप समझ गए ना यार कि ये वर्ड लिखा हुआ है, वही अगेन मैं आपसे वापस से रिपीट करूंगा, ओपन बुक पॉलिसी है, सारे डायग्राम बनी हुई है, किताब भी है, लेकिन अगर जब तक प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, कौन सा प्रोसीजर कब लिखना है क्यों लिखना है, जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम पेपर में भी, यही अब समझ आ गए कि पेपर आरपी का सवाल आप पढ़ रहे हैं तो समझ आना चाहिए कि आप कौन से फेज में खड़े हैं, ये पता होना चाहिए कि क्या ये आरपी आपने तो ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ है या फिर ट्रांजेक्शन क्या है, क्या वो आउटसाइड दी। अब आप जब सवाल पढ़ेंगे तो सवाल पढ़ते हुए वो जब करते हैं ना, सवाल पढ़ते हुए हाईलाइट करते हैं, तो खुदा का वास्ते पूरी किताब हाईलाइट ना कर दीजिएगा लांतियों,
जो सवाल पढ़ना है, सवाल में जो कीवर्ड है उसको क्या करना है, उसको और वो हाईलाइट से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ट्रिगर हो रहा होगा, कोई ना कोई हेडिंग ट्रिगर कर रही होगी, और वही आपका कोर्स ऑफ। अब जब आप प्रैक्टिस करें प्यारे बच्चों, तो खुदा का वास्ता है, सिर्फ आंसर ना लिखिएगा, उसके नीचे अपने लिए एक नोट बना लीजिएगा कि चूंकि सवाल में ये वर्ड यूज हो रहे थे, ये हाईलाइटेड जो वर्ड यूज हो रहे थे, इसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। ये जब तक अपने स्टिकी नोट्स आप नहीं बनाएंगे प्यारे बच्चों, आप कभी भी प्रैक्टिस का कोई फर्क, इसका आंसर क्यों ये है क्यों नहीं है, जब तक आप खुद अपने आप से बातें नहीं करेंगे, इसके स्टिकी नोट्स नहीं बनाएंगे, आपके लिए पेपर पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। डन हो गया प्यारे बच्चों? चले जी, बेहद ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह मुलाकात होती है।